सब्सक्राइब करें इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगाई हुई है और तमाम देशों संस्थाओं की आर्थिक मदद के बावजूद भी संकट से निकल नहीं पा रही है। पाकिस्तान का खजाना बिल्कुल खाली हो चुका है, लेकिन देश के राजनेताओं के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग के मुताबिक नेशनल असेंबली के 342 सदस्यों में से करीब 10 राजनेता अरबपति हैं। मंगलवार को चुनाव आयोग ने 2018-19 के लिए नेशनल असेंबली के सदस्यों की आर्थिक स्थिति की जानकारी सार्वजनिक की। इन 10 अरबपति सदस्यों में से पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी तहरीक इंसाफ के ही 4 नेता हैं, जबकि 2 नेता इसकी सहयोगी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से हैं। इसके अलावा PMNL पार्टी से 2 नेता और पाकिस्तान पीपल पार्टी और आवामी नेशनल पार्टी के 1-1 नेता भी अरबपतियों की इस लिस्ट में शामिल है। पाकिस्तान चुनाव आयोग के मुताबिक प्रधानमंत्री इमरान खान के पास कुल 10.8 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है। इसके अलावा उनका बानी गला में एक आवाज है, जिसे उपहार के तौर पर दिखाया गया है। इमरान खान के पास 50,000 रुपए कीमत की 4 बकरियां और 150 एकड़ कृषि योग्य जमीन भी है। दस्तावेजों के मुताबिक PM इमरान खान का 6 नहरों और बनी गाला में 50 लाख की जमीन पर स्वामित्व है। PM इमरान खान का शेखपुरा में भी एक घर है, जो उन्हें पैतृक संपत्ति से मिला है। इसके अलावा पैतृक संपत्ति से उनके बख्तर में 2,609 कैनल जमीन और 8 एकड़ की 4 अलग अलग जगहों पर जमीनें हैं। प्रधानमंत्री इमरान खान ने 4 विदेशी मुद्रा बैंक अकाउंट में भी निवेश किया है। पाउंड अकाउंट में 2,067 पाउंड, डॉलर अकाउंट में 3,29,060 डॉलर, जबकि एक अन्य अकाउंट में 1,470 डॉलर है, लेकिन यूरो अकाउंट में पैसे नहीं है। इमरान खान ने ग्रैंड हयात टावर में एक फ्लैट के लिए भी 1.10 करोड़ रुपए का एडवांस भुगतान किया है। हालांकि इमरान खान के पास कोई निजी कार नहीं है, लेकिन 2.4 करोड़ कैश है। 2 राष्ट्रीय बैंकों में उनकी 90 लाख की धनराशि जमा है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ऐसी अरबपतियों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इंडिया ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।